नाज़िन, पाकिस्तान में ईद उल फितर का चांद देखने के लिए रोयत हलाल कमेटी का इजलास आज 29 रमजानुल मुबारक को तलब कर लिया गया है, जबकि महकमा मौसमियात के हकाम के मुताबिक आज खैबर पख्तूनख्वा में मतला मुकम्मल तौर पर साफ होगा और चांद नज़र आने के काफ़ी ज़्यादा इम्कान मौजूद हैं, लेकिन चांद दिखाई देने की सूरत में ही ईद उल फितर कल यानी 10 अप्रैल को होगी, जबकि अगर चांद ना दिखाई दिया तो ईद उल फितर 11 अप्रैल को होगी। नाज़रीन, याद रहे कि महकमा मौसमियात ने एक हफ्ता पहले ही पेशनगोई कर दी थी कि मंगल 9 अप्रैल को ईद उल फितर का चांद दिखाई देगा, लेकिन महकमा मौसमियात के हकाम के मुताबिक मंगल को चांद गरूबे आफ्ताब के बाद आधे घंटे से ज़ाहिद देर तक आसमान पर रहने का इम्कान है और इंसानी आंख से देखने के लिए चांद की उम्र भी पूरी हो चुकी है। नाज़रीन, दूसरी जानिब सऊदी अरब में रोयत हलाल कमेटी के रुकन और मायरे फलकियात अब्दुल्ला ने पीर को ईद उल फितर का चांद दिखाई न देने की वजह से बुध को सऊदी अरब में ईद का ऐलान कर दिया है।